अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सोना चांदी, हाँ 20 तोला सोना है, कुछ चांदी है और करीब 2 लाख के लगभग पेंटिंग है, एक पहचानने की नहीं है। सर क्या चारों आरोपी पूर्व में कितनी घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं? इसमें जैसा बताया गया, इसमें जो श्याम है अभी इसका जिसके घर पे आके रुका था और जिसको जानकारी थी घटना की, उसका अभी 48 कार्ड अपने थाने में नहीं है और भी सर्च कराया जा रहा है पुराने रिकॉर्ड। और जो जीत मुख्य जिसने घटना की है इसका एक मामला अपने को मिला है, लेकिन जैसा हम बताया आपके साथ ही तो मिले कि जैसे इसकी शोहरत है और लोकल थाने से भी सर्च कराया जाना शेष है, इसके और मामले की वजह से। जो नकाबपोश घूम रहे हैं उनसे मेल मिला? ये जो जीत है वही घटना इसने किया है, अपने बच्चे के नाबालिग बच्चे के साथ लेकर किया है, मौके पर ये 2 लोग रहे। बाकी जो आरोपी दिनेश है उसका घटना की जानकारी थी, उसके यहाँ समाज में छुपाया गया और श्याम के घर से था। नहीं सर, जो पिछले जो वीडियो जारी हुआ था नकाबपोश बदमाशी, ये वही नकाबपोश तो नहीं है? ये अलग गया। शहर में कुछ दिनों पहले 3-4 घटनाएं चोरी की हुई थी, जिसमें एक ही रात में कई ताले टूटे थे, उसमें भी आइए थाने की पुलिस लगभग इंजेक्शन के नजदीक है और 48 घंटे के अंदर अपने उसका खुलासा कर देंगे। वो आरोपी इन आरोपियों से अलग है। सर तिलक नगर में ये जो चोरी हुई है, दिनांक 24 मई और 25 मई की दरमियानी रात को तिलक नगर थाना सिविल लाइन में एक चोरी की घटना रिपोर्ट हुई थी। मकान में साधारण परिवार किराए से रहता है, उसमें लगभग 20 लाख का सामग्री और कैश रिपोर्ट किया गया था। उसमें तत्काल अपनी पुलिस की टीमें लगी, फिंगरप्रिंट डाक स्क्वाड बाकी अधिकारियों ने भी सुपरविजन किया, बाकी भी एक टीम बनाई गई थी, तो अपनी टीम को सफलता इसमें मिला है और घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें अभी अपने पास 3 आरोपी पकड़े गए हैं और जिसमें और एक बाल अपचारी भी है जो घटना से चोरी किया और सामान है लगभग पूरा बरामद किया गया है। इस टीम में जिन लोगों ने काम किया है, मेहनत किया है, सभी को 5000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। टीम कैसे पहुंची सर आरोपियों के पास और किस तरह से इन आरोपियों का पर्दाफाश किया? घटना होने के पश्चात इसमें टीम ने तकनीकी और मैनुअल दोनों तरीके से सहयोग लिया और इसमें अपने तकनीकी साधनों का भी उपयोग रहा। कुछ लोगों ने भी कदकाठी वगैरह देख के अपने को इनपुट दिए थे कि ये लोग हो सकते हैं, इन्हीं साधनों का उपयोग करके टीम ने सफलता। क्या सर चोरों को पहले से पता था कि ये सांसद के घर? अभी पूछताछ में ये बात नहीं आई जी, बाकी चोर अपने बिहार में है अभी। और सर कितने का मशरूम का जब्त हुआ? सर लगभग 20 लाख का मशरूम का जब्त हुआ। सर आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? आरोपियों को चोरी के पश्चात ये भगे थे, उसके बाद उनके ठिकाने से उनको पकड़ा गया। सर कितने हैं?
आरोपी तीन नाबालिग और एक नाबालिग अभी है, बाकी चूंकि आरोपी अभी पीआर में है उसे पूछताछ होगी, हो सकता है पूछताछ में किसी अटक का भी पुलिस बताता है उसको भी इसमें शामिल किया जाए। सर और भी चोरी देवास में अभी इनके द्वारा कोई चोरी की घटना नहीं बताई गई है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये अभी पीआर में रहेंगे, पीआर में इस संबंध में उनसे डिटेल पूछताछ की जाएगी। थैंक यू सर।